नमस्कार, हाउ आर यू? समस्त भल अच्छा। लेट अस डिस्कस द ऑसम करंट अफेयर्स ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी। लेट अस स्टार्ट विद अ मोटिवेशनल एंड पावरफुल कोट। जज द पीपल विद देयर एक्शंस एंड यू विल नेवर बी फूल्ड बाय देयर वर्ड्स। सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन द करंट अफेयर्स एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी रिगार्डिंग जहाँ भी करंट अफेयर्स अच्छे आम ये डिस्कस करवा। सो वेलकम टू दिस ऑसम सेशन ऑन यज्ञसेनी जीएस अकाडमी। फर्स्ट एनवायरमेंट न्यूज होचे ग्रीन वॉशिंग। सो फ्रेंड्स, किसीटा प्राइवेट कंपनीज था कौन करती जहाँ एक्टिविटीज अच्छे सबको से कहते दिस इज क्लाइमेट फ्रेंडली, तो ये ये क्लाइमेट को हेल्प करुचे, तो से आम किसी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर चलो किसी हेनी। ए टाइप रो कोनसी एक्टिविटी को कहते ग्रीन वॉशिंग। सो दिस इज बेसिकली द फर्म्स दे मार्क ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज एज क्लाइमेट फ्रेंडली, हाउएवर दिस इज अनवेरीफाइएबल, दिस इज डूबियस, दिस इज मिसलीडिंग। सो द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल दे हैव सेड द प्राइवेट कंपनीज टू डेसिस्ट फ्रॉम ग्रीन वॉशिंग एंड टू मेंड इट। ग्रीन वॉशिंग कंसेप्ट केम इन द ईयर 1986 एंड वॉज फर्स्ट टाइम यूज बाय जे वेस्टरवेल्ड। डेवलप्ड कंट्रीज जो रोचंती यार क्लाइमेट को बेनिफिट्स देखे कि ना डेवलपिंग कंट्रीज एंड जमती फॉर एग्जांपल अपन देखिए यूएसए। यूएसए हैज द लार्जेस्ट इज द लार्जेस्ट पर कैपिटा एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एठिकार ही काफी कंपनीज अगेंस्ट ग्रीन वॉशिंग एलिगेशंस रही है, जमती फॉर एग्जांपल बीपी, शेल, कोका कोला, दिस ऑल। सो इट इज रिक्वायर्ड कि ग्रीन वॉशिंग को हटा जाओ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ग्रीन वॉशिंग। द सेकेंड न्यूज इज अबाउट ग्राउंड वाटर। सो फ्रेंड्स, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एम रिलीज कर डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट 2022, अकॉर्डिंग टू विच आमर जो ग्राउंड वाटर रोचे तार एक्सट्राक्शन इज ह्यूज। ग्राउंड वाटर एक्सट्राक्शन ओवरअल इंडिया कह गले 60% अच्छे एंड या भितर तीन टा कैटेगरीज स्टेट को डिवाइड कर जाए। किसीटा स्टेट्स 100% रु भी अधिका ग्राउंड वाटर एक्सट्राक्शन करती, या ओवर एक्सप्लोटेशन कहुए। देन 90-100% एक्सट्राक्शन कैटेगरी को क्रिटिकल कहा जाए, ता तले एक्सप्लॉयटेशन आसे। सो सम ऑफ द स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव एम ओवर एक्सप्लॉयटेशन रे आसंती, माने ग्रेटर देन 100% ग्राउंड वाटर एक्सट्राक्शन। सो दिस इज लगभग 17%। देन 5% आर इन द क्रिटिकल फेज, बाकी दिल्ली, तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटका, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी 60-100% ग्राउंड वाटर एक्सट्राक्ट करते। ग्राउंड वाटर जो एक्सट्राक्ट होचे ताको हमें कोठे यूज करूचो। सो 87% इज एक्चुअली यूज्ड इन इरिगेशन, 13% डोमेस्टिक आउ इंडस्ट्रियल पर्पजेस रे यूज होता। टोटल इतने 7000 एरियाज को असेसमेंट करागला, आउट ऑफ विच 1006 इज ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉयटेड। नेक्स्ट थिंग होचे कि ग्राउंड वाटर को कॉमन पूल रिसोर्स कहा जाए and the body which conducts the assessment of quality, that is Central Groundwater Board. So Central Groundwater Board according, lagbhag 154 district in India are having the water which is arsenic contaminated. Apart from that, dekhantu India re data problem ache, gote hoche population, gote hoche mismanagement of groundwater. Population is a systemic process, immediate ta upre control habani, however management of groundwater yaku better karibaku padibo. Otherwise प्रेडिक्शन अच्छे कि 2050 पर्यंत किसी एरिया रे सीजनल शॉर्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर रही पार। इंडिया एज यू नो इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर। कैन यू टेल मी विच कंट्री इन द वर्ल्ड यूजेस लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस? नाउ किच द गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अटल भूजल योजना, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम प्लस वर्ल्ड बैंक रे इनिशिएटिव रही एंड किछटा ही डिस्ट्रिक्ट्स, किछटा ही स्टेट्स भितर ही ऑपरेट करे। सेकेंड इज जल शक्ति, वाटर स्ट्रेस्ड 256 डिस्ट्रिक्ट्स रे काम करे। एक्विफायर मैपिंग, सो एक्विफायर को फर्स्ट मैपिंग करबा कि कोठे केते पानी अच्छे तार मैनेजमेंट केमती हो पार। एक्विफायर द्वारा जो वाटर रिचार्ज हुए या को ही डीप ड्रेनेज भी कहते या डीप परकुलेशन भी कहा जाए। देन अमृत स्कीम इज देयर। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सो ओडिशा भितर गोटे रिसर्च करा जाए इन ओडिशा महाराष्ट्र एंड इट हैज बीन फाउंड कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जदि बेटर करा जाए पारिबो तले क्लाइमेट चेंज उपर यार इम्पैक्ट रहिबो। क्लाइमेट चेंज रो बिगेस्ट ड्राइवर होची कार्बन डाइऑक्साइड, और जदि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन रो कार्बन स्टोरेज को बढ़े दिया गला, सो वी आर फाइटिंग द क्लाइमेट चेंज। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन केमती बढ़िबो? सो द रिसर्च सेज अबाउट राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइजर, बायोकार, इरिगेशन,
कैन इंक्रीज द सॉइल कार्बन बाय 300%. सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कौन था? इट इज़ द लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन इन द प्लांट्स और इन द ओशन, इन द सॉइल, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस. इट मे बी नेचुरल, इट मे बी एंथ्रोपोलॉजिकल. ओके, सो जो प्लांट्स था थी, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस रू कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड कौन हो जाता है, स्टोर हो जाता है इन द प्लांट्स, इन द सॉइल, इन वेरियस अदर एरियाज, फॉइलेज, लाइक दैट. सिमिलरली ओशंस रे भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को बढ़ा जाए पारे. फॉर एग्जाम्पल आयरन फर्मेंटेशन, तो एथ्रु प्लांक्टन्स बढ़े, प्लांक्टन्स बढ़ले बायोमास बढ़े, बायोमास बढ़ले कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़े. सो दिज ऑल थिंग्स आर राइट नाउ. जदि आम क्लाइमेट एक्शन को देखा, ये को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रु अच्छे ना SDG 13, दैट इज क्लाइमेट एक्शन. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट दी अडाप्टेसन गैप रिपोर्ट. अडाप्टेसन गैप रिपोर्ट क्यों ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती, दैट इज योर यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम. सो दिस वॉज ऑल दी एनवायरमेंट रिलेटेड करेंट अफेयर्स इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर. नेक्स्ट क्लास में आम आउ कि करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर. इफ यू लाइक द वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. नुआ अच्छा तो सब्सक्राइब करूँ. थैंक यू सो मच. नमस्कार.